हेलो एवरीवन, आज हम लोग एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके पहले मैंने आपको एल्कोहल फिनॉल ईथर और हेलो एल्केन और हेलो एरिन के बारे में आपको समझाया था अपने वीडियो में। आज हमें एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में कंसिडर करना है, ठीक है ना। इसमें भी थ्री कंपाउंड अल्टरनेट आपको वन बाय वन कंसिडर करना है। सबसे पहले एल्डिहाइड, कीटोन और लास्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड, क्लियर। इसमें एल्डिहाइड और कीटोन इन दोनों को हम एक साथ कंसीडर करेंगे, क्लियर। एल्डिहाइड और कीटोन यहां आप देख सकते हो, एल्डिहाइड और कीटोन मैंने अलग से लिखा है। एल्डिहाइड एंड कीटोन इज आल्सो नोन एज कार्बोनिल कंपाउंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये इसको हम कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है ना, क्यों कहते हैं एल्डिहाइड और कीटोन को हम कार्बोनिल कंपाउंड क्यों कहते हैं? क्योंकि एल्डिहाइड का जो जनरल फार्मूला है वो है R सिंगल बॉन्ड CHO और कीटोन का जो जनरल फार्मूला है वो है RCOR-, क्लियर। इसको हम अगर इसका स्ट्रक्चर ओपन करके लिखते हैं तो ये R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड H ऐसे बनेगा, और इसका स्ट्रक्चर ओपन करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड R-। दोनों के स्ट्रक्चर पे कॉमन आपको दिखाई दे रहा है ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप, ठीक है ना, और ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप को ही हम कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है ना। यानी एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में ये कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, और इसी ग्रुप के प्रेजेंट होने की वजह से हम इसको कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं, क्लियर। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस कार्बोनिल ग्रुप द मोस्ट ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर सिमिलर, ठीक है ना। कार्बोनिल ग्रुप की वजह से एल्डिहाइड और कीटोन की बहुत सारी प्रॉपर्टीज, या ये कह लीजिए कि एल्डिहाइड और कीटोन को जब भी हम पढ़ते हैं तो एक साथ पढ़ते हैं, तो सबसे बड़ा रीजन यही है कि दोनों में कॉमन ग्रुप होता है, और जो ग्रुप होता है उसको हम कार्बोनिल ग्रुप कहेंगे, और कार्बोनिल ग्रुप जिसमें होगा उसको हम कार्बोनिल कंपाउंड कहेंगे, ठीक है ना। तो अब से आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि कार्बोनिल कंपाउंड जो है उसमें एल्डिहाइड और कीटोन आता है। इसमें एक चीज आपको ध्यान से ये देखना होगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड जिसका फॉर्मूला होता है COOH, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को ओपन करके लिखते हैं तो ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ये इसका स्ट्रक्चर होगा। इसमें भी आपको दिखाई दे रहा है ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप, तो क्या ये भी कार्बोनिल ग्रुप है? तो नहीं, ठीक है ना, ये कार्बोनिल ग्रुप नहीं है, या कार्बोक्सिलिक एसिड इज नॉट अ कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है ना। क्योंकि यहां पर एक रीजन है, और रीजन है रेजोनेंस। जो ये आप कार्बोक्सिलिक ग्रुप देख रहे हो C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, इसमें ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होता है, और ऑक्सीजन का ये लोन पेयर इन्वॉल्व होता है रेजोनेंस में, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे बन जाएगा, यानी हो जाएगा C सिंगल बॉन्ड O, ऊपर आ जाएगा माइनस चार्ज, और ये डबल बॉन्ड हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, ये ऊपर प्लस और सिंगल बॉन्ड H। यानी कहने का मतलब ये है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप में भी कार्बोनिल ग्रुप है, बट ये कार्बोनिल कंपाउंड है नहीं, क्योंकि ये रेजोनेंस को शो कर रहा है, ठीक है ना, और रेजोनेंस की वजह से इसका ये स्ट्रक्चर ऐसे बन जा रहा है, ठीक है ना, क्लियर है। तो जब भी हम कार्बोनिल कंपाउंड की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में दो चीजें हमेशा रन कर जानी चाहिए, वो है एल्डिहाइड और कीटोन, क्लियर। अब एल्डिहाइड का जो जनरल फार्मूला RCHO है, इसमें आप R की जगह हाइड्रोजन रख सकते हो या कोई एल्काइल ग्रुप रख सकते हो, ठीक है ना। यहां पर R, ये कीटोन में जो है R और R-, इसमें आप R की जगह, दोनों R की जगह, चाहे वो R हो चाहे वो R-, दोनों की जगह केवल एल्काइल ग्रुप जैसे मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल ये रखोगे, ठीक है ना। अगर किसी भी R की जगह आपने भूल से हाइड्रोजन रख दिया तो वो एल्डिहाइड हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए आपको याद रखना है कि यहाँ दोनों R की जगह कोई एल्काइल ग्रुप भी होगा। अब आप देखिए एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का डेफिनेशन अगर आपको बताना है तो कैसे बताएंगे? When one of the hydrogen atom of alkane is replaced by the this group that is the CHO group, इसको एल्डिहाइडिक ग्रुप कहते हैं, तो जो corresponding product हमें मिलेगा उसी को हम एल्डिहाइड कहेंगे, क्लियर है ना। एल्केन जिसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2, इसमें से एक हाइड्रोजन जब रिमूव हो जाएगा
जाएगा तो ये चेंज हो जाएगा CnH2n+1 में, यानी बन जाएगा CnH2n+1 into CHO, जिसको हम RCHO से भी लिखते हैं। क्लियर है ना? यानी ये है एल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला और इसमें इसको हम RCHO से भी लिख सकते हैं। यहाँ R की जगह आपको मैंने बताया हाइड्रोजन या कोई एल्काइल ग्रुप रखेंगे तो करेस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड बन जाएगा। अब हम बात करते हैं कीटोन का। कीटोन में R, R डैश और इन दोनों के बीच में ये कार्बन ग्रुप यानी R सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड R डैश। यहाँ पर अगर R और R डैश दोनों सेम होगा तो ऐसे कीटोन को कहेंगे सिमेट्रिकल कीटोन। ठीक है ना? जैसे मान लीजिए R R की जगह भी CH3 हो जाए और R डैश की जगह भी CH3 हो जाए और बीच में ये CO है तो इसको हम कहेंगे ये सिमेट्रिकल कीटोन है। क्लियर है ना? और मिथाइल दो दो बार आया है तो इसको कहेंगे इसका नाम हो जाएगा डाइमिथाइल कीटोन। ये इसका सिंपल नेम हो जाएगा CH3CO CH3 का नेम हो जाएगा डाइमिथाइल कीटोन। ऐसे ही आप देख सकते हो यहां भी C2H5 है, यहां भी C2H5 है और बीच में CO है तो इसको हम क्या कहेंगे, ये डाइमिथाइल कीटोन है। क्लियर? ये डाइमिथाइल कीटोन, ये डाइमिथाइल कीटोन और दोनों जो है वो सिमेट्रिकल कीटोन के एग्जांपल बन रहे हैं। ऐसे ही C6H5 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड C6H5 इसको हम कहेंगे फिनाइल ग्रुप। दो बार फिनाइल ग्रुप आया है तो इसका नाम हो जाएगा डाइफिनाइल कीटोन। ये सिंपल नेम मैं आपसे बता रहा हूं। तो अगर दोनों R और R डैश सेम है, आइडेंटिकल है तो उसको हम सिमेट्रिकल कीटोन कहेंगे। अगर कहीं R और R डैश अलग हो गया तो उसको हम अनसिमेट्रिकल कीटोन कहेंगे। रीजन है जैसे R की जगह CH3 लिया गया है और R डैश की जगह C2H5 तो ये अनसिमेट्रिकल कीटोन का एग्जांपल बन गया। ठीक है ना? ऐसे ही R की जगह C6H5 लिया गया है और R डैश की जगह CH3 लिया गया है तो ये भी अनसिमेट्रिकल कीटोन हो गया। ठीक है ना? अब इसका नेम लिखोगे तो इथाइल और मिथाइल में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इथाइल को पहले लिखते हैं तो नाम हो जाएगा इथाइल मिथाइल कीटोन। इसमें ये फिनाइल है और ये मिथाइल है तो मिथाइल और फिनाइल में मिथाइल पहले आएगा तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल फिनाइल कीटोन। क्लियर? अब हम इसके IUPAC नेम के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है ना? जब भी आप किसी भी एल्डिहाइड का नेम लिखते हो तो उसमें सफिक्स आप अल ऐड करते हो। जो भी उसमें एल्केन होगा करस्पॉन्डिंग एल्केन में हम अल AL ऐड कर देंगे। जैसे मान लो मीथेन है तो एक कार्बन से मीथेन होगा तो मीथेन में हम अल ऐड कर देंगे तो नाम हो जाएगा मीथेनल। ठीक है ना? और एल्डिहाइड ग्रुप में सबसे पहला मेंबर जो है उसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड, जिसका फॉर्मूला होता है HCHO। क्लियर? इसमें ग्रुप का कार्बन आपको काउंटिंग में रखना है। अगर इस कंपाउंड को देखा जाए तो इसमें एक कार्बन है और एक कार्बन का मतलब ये मेथ यानी मीथेन है और मीथेन में अल ऐड करेंगे तो इसका नेम हो जाएगा मीथेनल। इसका फॉर्म का नेम क्या हो जाएगा? मीथेनल। ऐसे ही ये दूसरा जो एग्जांपल आप देख रहे हो कि CH3CHO सेकंड मेंबर है एल्डिहाइड का, इसका नाम सिंपल होता है एसिटाल्डिहाइड, लेकिन IUPAC में लिखेंगे तो इसमें दो दो कार्बन है, दो कार्बन से इथेन, इथेन में अल ऐड कर देंगे तो इथेनल। क्लियर? ऐसे ही इसमें तीसरे नंबर में आएंगे तो तीसरे नंबर में एक सब्स्टिट्यूएंट CH3 दिखाई दे रहा है तो आपको यह ध्यान देना होगा कि काउंटिंग आपको कहां से करना है। तो काउंटिंग वहां से करेंगे जहां से CHO ग्रुप नजदीक पड़ेगा। तो ये फर्स्ट कार्बन होगा, ये सेकेंड होगा और ये थर्ड होगा, यानी इसका नेम हो जाएगा 2-methyl और 3 carbon से प्रोपेन, प्रोपेन में अल ऐड कर देंगे तो नाम हो जाएगा इसका 2-methyl प्रोपेनल। क्लियर? ऐसे ही फोर्थ नंबर में इसमें अगर किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा बार अगर CHO ग्रुप आ गया है तो उसमें हम कार्बेनडिहाइड बॉन्ड ऐड करेंगे। ठीक है ना? जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो CH3 सिंगल बॉन्ड CH, के नीचे CHO सिंगल बॉन्ड CH, के नीचे CHO और CH के आगे CH3। इस कंपाउंड में CHO दो दो बार आ गया है। ठीक है ना? तो इसका नेम हम कैसे लिखेंगे, पहले टोटल कार्बन देख लेंगे। टोटल कार्बन स्टेट में 4 है। ठीक है ना? और ये जो CHO ग्रुप आ रहा है ये दूसरे और तीसरे पर आ रहा है, दूसरे और तीसरे पर, तो इसका नेम हो जाएगा ब्यूटेन 2-3 डाइकार्बेनडिहाइड। दो बार आया है, कार्बेनडिहाइड हम यूज करेंगे जब एक से ज्यादा बार आएगा और पोजीशन इसका सेकंड एंड थर्ड है, दो बार आया है इसलिए डाई लिखेंगे। ठीक ना?
ब्यूटेन 2,3 डाई कार्बनडिहाइड। ऐसे ही ये नीचे वाला एग्जांपल आप देख रहे हो, इसमें CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 इसमें CHO है, इसमें CHO है, इसमें CHO, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 3 है, तो प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बनडिहाइड इसका नेम हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही अगर हम इसको कवर कर ले तो ये साइक्लोप्रोपेन है और इसमें CHO है, तो नाम बन जाएगा साइक्लोप्रोपेन कार्बनडिहाइड। ऐसे ही यहां पर आप देख सकते हो, अगर मैं इसको ऐसे कवर कर लूं तो ये साइक्लोब्यूटेन है, इसका नेम हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन कार्बनडिहाइड, ठीक है। इसमें इसको अगर कवर कर लूं तो ये साइक्लोहेक्सेन है, इसका नेम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन कार्बनडिहाइड। यानी जो भी एल्केन होगा उसके नेम के आगे हम कार्बनडिहाइड बढ़ा देंगे, कब, जब साइक्लिक एल्डिहाइड दिया होगा, तब। ये एलिसाइक्लिक एल्डिहाइड है, ठीक है ना। अब आइए हम थोड़ा सा कीटोन की बात कर लेते हैं। जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड CH3, इसके लिए हम सफिक्स कोन लगाते हैं, ठीक है ना। तो 1,2,3 तीन कार्बन से प्रोपेन, प्रोपेन में कोन ऐड कर देंगे तो इसका नेम हो जाएगा प्रोपेनोन या प्रोपेन टू ओन। इसका नेम क्या हो जाएगा? प्रोपेन टू ओन। ये जो है इसका नेम है साइक्लोहेक्सेनोन, ये साइक्लोहेक्सेनोन है। अगर इसके नाम की बात करें तो ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर, ये चौथा नंबर, इसका नेम हो जाएगा 4-methylcyclohexanone। इसका अगर नेम लिखोगे तो काउंटिंग यहां से करेंगे 1,2,3,4, इसका नेम हो जाएगा 3-methylbutanone-2, क्लियर। तो इस तरह से हम इसका नेम लिखेंगे, क्लियर। अब हम बात करते हैं इसके प्रिपरेशन के बारे में, ये हम कैसे इसको प्रिपेयर करेंगे, ठीक है ना। प्रिपरेशन में सबसे पहला पॉइंट है प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड का, मतलब एल्डिहाइड और कीटोन को हम प्रिपेयर करने जा रहे हैं। और सबसे पहले हम इसको प्रिपेयर कर रहे हैं किससे? अल्कोहल से। तो अल्कोहल से अगर आपको एल्डिहाइड बनाना है तो डायरेक्ट अल्कोहल का रिएक्शन करा दीजिए पीसीसी से, इसका नाम है पिरिडियम क्लोरोक्रोमेट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये तुरंत इस OH ग्रुप को यहां से हाइड्रोजन को बाहर रिमूव कर देगा और ये पूरा ग्रुप जो है वो CHO ग्रुप में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही यहां पर ये है एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, इसके प्रेजेंस में अगर ऑक्सीडेशन करा देंगे तो यहां का एक हाइड्रोजन, यहां का हाइड्रोजन और यहां से ऑक्सीजन H2O निकल जाएगा और बन जाएगा एसीटोन, ये जो बना इसका नाम है एसीटोन, ठीक है ना। ऐसे ही ये है, इस कंपाउंड को अगर डायरेक्ट पीसीसी के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ये CH2, यहां से H2 हट जाएगा, ये CHO में चेंज हो जाएगा, क्लियर है ना, समझ में आ रहा है इसमें। तो इसके प्रेजेंस में आप डायरेक्ट एल्डिहाइड बना सकते हो। अब ऐसे ही अगर आपको एल्डिहाइड अल्कोहल से बनाना है तो इसका डीहाइड्रोजनेशन करा दो। डीहाइड्रोजनेशन का मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना। अगर हम अल्कोहल को कॉपर मेटल के प्रेजेंस में 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हीट कर दें तो इसमें से दोनों हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और बन जाएगा ये CH3CHO जिसका नाम है एस्टेल्डिहाइड या इथेनॉल, ठीक है। ऐसे ही यहां पर ये है, ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, इसको भी कॉपर मेटल के प्रेजेंस में इतने डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे तो ये बन जाएगा एसीटोन में, क्लियर है। अब आइए यहां पर बाय रोजेनबुंड रिडक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। अगर रोजेनबुंड रिएक्शन आप पढ़ रहे हो तो इसमें जो एसिड हैलाइड, इसका नाम है एसिटिल क्लोराइड CH3COCl, इसका हम रिडक्शन करा रहे हैं PDBaSO4 और सल्फर और क्विनोल के प्रेजेंस में। तो यहां से एक H और यहां से एक Cl, HCl चला जाएगा बाहर और H जाके जुड़ जाएगा तो बन जाएगा CH3CHO जिसका नाम है एस्टेल्डिहाइड, क्लियर है ना। ऐसे ही ये बेंजीन रिंग पर COCl है, इसका नाम है बेंजोइल क्लोराइड, इसका भी अगर हम इसके प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो यहां से एक H और यहां से एक Cl, HCl चला जाएगा और बन जाएगा बेंजीन रिंग पर CHO जिसका नाम है बेंजोल्डिहाइड, क्लियर है ना। अब आइए यहां पर डी नंबर, अगर आपको एल्डिहाइड या कीटोन बनाना है कार्बोक्सिलिक एसिड से तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसको आप हीट कर दीजिए मैग्नस ऑक्साइड के प्रेजेंस में 573 केल्विन पर, ठीक है ना। जैसे ये फॉर्मिक एसिड है और ये भी फॉर्मिक एसिड है, जब टू मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मिक एसिड को हम हीट करेंगे तो यहां से ये फॉर्मेल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा और यहां से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिमूव हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे कैसे हो रहा होगा, ये यहां से COO CO2
रिमूव हो गया और यहां से दो एच और यहां से एक ओ, एच टू ओ रिमूव हो गया, समझ गए। सेम रिएक्शन यहां भी आप देख सकते हो, यहां भी ये एस एस सीओ टू, पूरा ये सीओ टू निकल गया और यहां से टू एच और यहां से ओ, एच टू ओ निकल गया और चेंज हो गया से सीएचओ बन गया, ठीक है ना। इस रिएक्शन में यहां पर ये पूरा सीओ टू बाहर निकल जा रहा है और यहां से सी एच थ्री और यहां से एच और यहां से एच और ओ, एच टू ओ निकल जाएगा और बन जाएगा एसीटोन, ठीक है ना। यानी कार्बोक्सिलिक एसिड से अगर आपको एल्डिहाइड और कीटोन बनाना है तो उसका आप इस तरह से रिएक्शन लिख दीजिए। अब आइए एल्कीन से बनाना है, एल्कीन से बनाने के लिए उसका ओस्मोलिसिस कर दीजिए। ये है एल्कीन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। आपको यहां पर एल्कीन में जो डबल बॉन्ड है, ठीक है ना, इस डबल बॉन्ड पे ही ओ थ्री यानी ओजोन का एडिशन होगा। ओजोन में थ्री ऑक्सीजन है, तीन ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है आपको, तो तीन ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन इन दोनों के बीच में आ जाएगा, एक ऑक्सीजन इन दोनों के बीच में आ जाएगा और एक एक ऑक्सीजन साइड साइड पर कार्बन से ऐसे ऐसे लग जाएगा, समझ गया ना। तो ये बन जाएगा ओजोनाइड, इसका नाम है एल्कीन ओजोनाइड, ठीक है ना। ये जो एल्कीन ओजोनाइड है इसको हम ZN + H2O के प्रेजेंस में ब्रेक कर देंगे तो ये यहां से ब्रेक हो जाएगा और ये यहां से ब्रेक हो जाएगा और यहां से ZN इसको को लेकर ZNO बना लेगा और ये CH2O और CH2O यानी SCHO बन जाएगा, ठीक है ना। इसी के नीचे दूसरा रिएक्शन ये दिया गया है, यहां भी एडिशन O3 का डबल बॉन्ड के साथ ही हो रहा है, यहां एक ऑक्सीजन इन दोनों के बीच में आ गया है आप देख सकते हो और दो ऑक्सीजन यहां और यहां ऐसे बॉन्ड बना लिए, फिर ये यहीं से ब्रेक हो जाएगा तो बन जाएगा ये, क्लियर। अब तीसरे नंबर पे ये मैंने ऐसे वैकेंट करके छोड़ा हुआ है ताकि आप इसको कंप्लीट कर डालें, ठीक है ना। करना कुछ नहीं है, यहां पर ये जो डबल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है ओजोन के तीन ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन को इन दोनों के बीच में रखिएगा और एक एक ऑक्सीजन यहां हैंग करके ऐड कर दीजिएगा, बॉन्ड बना लीजिएगा और उसके बाद इसके प्रेजेंस में उसको ब्रेक कर दीजिएगा, जो भी प्रोडक्ट बनेगा लिख लीजिएगा, समझ गए। सेम यहां पर भी वैसा ही करना है। तो आई थिंक आपको इतना जो मैंने प्रिपरेशन मेथड आपको बताया है कार्बोनिल कंपाउंड का, दैट इज द एल्डिहाइड एंड कीटोन का, आप इसको बढ़िया से कंसीडर कर लीजिएगा और नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको और भी प्रिपरेशन मेथड इसके बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।